प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पुणे दौरा, कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ तरगू स्थित हलवाई गणपति मंदिर में आज पूजा अर्चना करेंगे। महाराष्ट्र के ठाणे में गर्डर लॉजिंग मशीन गिरी, 16 की मौत, मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष द्वारा 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। संसद ने चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच इसे मंजूरी दी गई। संसद में दोनों सदनों में जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि वह मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा में भाग लेना नहीं चाहती। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड ने लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 में 6.23 करोड़ रुपए से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में ये कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समान और समावेशी शिक्षा पर केंद्रित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा की ओर रवाना कर दिया गया है। अंतरिक्ष एजेंसियों ने कहा कि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के इर्द गिर्द कक्षाओं में चक्कर पूरा कर लिया है और अब यह चंद्रयान की ओर बढ़ रहा है। सहरसा में सेफ्टी कैंप के दरभंगा के सिंहवाड़ा क्षेत्र के राजे गांव में मुहर्रम के दिन एक ही समुदाय के 2 गुटों में हिंसक झड़प के दौरान एक व्यक्ति की मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिंदी सेवा सम्मान एवं वितरण समारोह के तहत 2020-21 और 2021-22 के अंतर्गत 29 इतिहासकारों को सम्मानित किया, माफ कीजिएगा साहित्यकारों को। बिहार में जाति आधारित गणना पर आज पटना हाईकोर्ट द्वारा फैसला आएगा। 7 जुलाई को हाईकोर्ट ने 5 दिन तक सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। बिहार राज्य पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन द्वारा पटना के ऊर्जा स्टेडियम में बिहार का टफ स्टेडियम का उद्घाटन राज्य के मुख्य सचिव अनिल सुभानी द्वारा किया गया। छपरा में पुराने पोस्टमार्टम हाउस के निकट छपरा जेल में पदस्थापित उच्च पक्षपाल अमित शाह को गोली मार दी गई। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुंगेर का किला नए स्वरूप में बदलने वाला है। जिला प्रशासन की पहल पर इसे विकसित करने के लिए राज्य पर्यटन विभाग के कंसल्टेंसी एजेंसी 2 दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंची। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज प्रदेश में वर्षा की संभावना जताई है। राज्य के अधिकांश जिलों में 1-2 स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघार्जन होने की संभावना है।